आपको बताते खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद एसएसपी सचिंद्र पटेल के निर्देशन व एसपी ग्रामीण राजेश कुमार एवं सिरसागंज के क्षेत्र अधिकारी इंदु प्रभा के कुशल नेतृत्व में शराब माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सिरसागंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दिनांक 11 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि को सिरसागंज पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को एक मुखबिर की सूचना मिली कि थाना सिरसागंज क्षेत्र के शेखुपुर मोड़ के पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब को ले जाया जा रहा है, जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सिरसागंज क्षेत्र के शेखुपुर मोड़ से एक अभियुक्त लाला राम मीणा पुत्र कालू राम मीणा निवासी ग्राम कुंवरपुरा पोस्ट बड़ौदिया थाना कोतखबदा को 105 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया, जहां एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने पत्रकारों को एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के पास से बिना नंबर के एक ट्रैक्टर ट्रॉली में देसी खाद की बोरियों के नीचे बिना बॉक्स में अवैध तरीके से 105 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी, जिसमें 396 बोतलें 792 हाफ व 1822 कार्टन बरामद हुए, जो हरियाणा से लेकर विभिन्न प्रांतों में भारी मात्रा में तस्करी को ले जाकर सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचा रहे, जहां पकड़े अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस तस्करी में शामिल अन्य लोगों की जानकारी में भी जुटी हुई है। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बीती रात में सिरसागंज पुलिस ने एक सूचना के आधार पर एक तस्करी कर शराब ले जाती हुई ट्रैक्टर को पकड़ा है। ये हरियाणा से तस्करी करके ले जाई जा रही थी। इसमें ऊपर खाद की बोरियां थी और नीचे जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें शराब भरी हुई है। करीब 105 पेटी में मैकडॉवल नंबर 1 की अंग्रेजी शराब थी, जो हरियाणा में बनी हुई है, और इसकी कीमत अगर हम बाजार में आके तो करीब 7.25 लाख रुपये आकी गई है। एक व्यक्ति जो लाला राम मीणा नाम का पकड़ा गया है, उसका कहना है कि ये शराब बिहार लेके जा रहा था। इसमें और कौन कौन शामिल है उसके बारे में हम उसके CDR और अन्य आधार पे पड़ताल कर रहे हैं, और इस तरह से दूसरे प्रांत की शराब यहाँ ले आकर इस तरह से तस्करी करके बेच रहे थे, देश के राजस्व की भी क्षति कर रहे थे। ये एक सराहनीय काम सिरसागंज पुलिस द्वारा किया गया है।